तो आज की इस वीडियो में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले इसके मीनिंग को जानते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इम्प्लाइज डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स प्रपोजिशन। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर जो कंपनी का होता है वो बताता है जो कैपिटल हम लोगों के पास है वो कौन कौन से सोर्स से आया हुआ है। वो डेब्ट से हम लोगों के पास वो कैपिटल है, या हम लोगों के इक्विटी शेयर से हम लोगों के पास वो कैपिटल है, या हम लोगों ने लोन से वो कैपिटल जनरेट किया है। जो भी कैपिटल फर्म के पास है वो कौन से सोर्स से आई है ये बताता है कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर। और वो कितने कितने अमाउंट में आई है, कितने कितने प्रपोजिशन। अगर मैंने, चलिए मानते हैं कि मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये कैपिटल मुझे चाहिए। और तो मैंने क्या किया, 50%, 50% मैंने ले लिया इक्विटी शेयर होल्डर से, और बाकी के 40% मैंने ले लिया लोन के थ्रू, और 10% का मैंने डिवेंचर इशू कर दिया। तो ये जो टोटल हो गया ना हम लोगों, ये हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर। और ये जो प्रपोजिशन है वो जो हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया ना इसको, इक्विटी लोन एंड डिवेंचर, ये हो गया उसका कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स प्रपोजिशन। मतलब 50 मैंने इक्विटी से लिया था, 10 मैंने डिवेंचर से लिया है, 40 मैंने लोन से लिया है। तो ये क्या बताता है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इम्प्लाइज डिफरेंट कंपोनेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल एंड इट्स प्रपोजिशन। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल जो है, डेब्ट हो गया, डिवेंचर हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर हो गए, और भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए। तो ये लोग जो कैपिटल हम लोगों को देने में मदद करते हैं, और वो लोग जितना कैपिटल देते हैं, ये हो जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर टोटल हम लोगों का। ओके, तो चलिए ये जानते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कौन कौन से वो फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 भागों में इसको बांटा गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल क्या हो गया, चलिए जानते हैं सबसे पहले इंटरनल के बारे में। तो सबसे पहला क्या है, कैपिटल बजट। कैपिटल बजट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों को कितना बजट चाहिए, हम लोगों को कितना फंड चाहिए एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। हम लोगों को अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो हम लोग 10 करोड़ का कैपिटल, 10 करोड़ का तो लोन नहीं ले सकते ना, हम लोगों को 1 ही करोड़ का लोन चाहिए। तो जितना बजट चाहिए सबसे पहले वो देखेंगे। ये डिटरमाइन करता है कि हम लोग किस सोर्स से कैपिटल जनरेट करने वाले हैं। अगर कम पैसे हमें चाहिए तो हम लोग लोन ले सकते हैं बैंक से। अगर हम लोग को ज़्यादा पैसे चाहिए तो हम लोग ज़्यादा लोन नहीं ले सकते, राइट, क्योंकि हम लोगों को एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हम लोग शेयर होल्डर से थोड़ा लेंगे, थोड़ा थोड़ा बैंक से लेंगे, थोड़ा डिबेंचर इशू करके लेंगे। तो ये क्या हो गया, कैपिटल बजट। कैपिटल बजट मतलब कि जितना कैपिटल मुझे चाहिए वो अफेक्ट करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को। फिर सेकेंड क्या हो जाता है, कंपनी कैरेक्टरिस्टिक। अगर कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है तो उसे ज़्यादा चाहिए होंगे कैपिटल, तो डेफिनेटली वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स को अप्लाई करेगी कैपिटल को रेज करने के लिए। ओके, तो कंपनी कैरेक्टरिस्टिक भी एगो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर क्या आ गया, नेचर ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर मेरा जो नेचर ऑफ, मेरा नहीं मतलब मेरा कंपनी का जो नेचर ऑफ ऑपरेशन है वो, अगर मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि मुझे ज़्यादा ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, राइट, क्योंकि समटाइम्स ऐसा क्या होता है कि अगर मार्केट में डिमांड नहीं भी है फिर भी मुझे अपने पास तो वो स्टॉक रखना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मास मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझे ज़्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक सोर्स ऑफ कैपिटल से सारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ओके, फिर डिग्री ऑफ रिस्क। अगर डिग्री ऑफ रिस्क हमें क्या बताता है, अगर हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे लेते हैं, या बैंक से पैसे लेते हैं, डिवेंचर इशू करके पैसे लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसे लेते हैं, तो इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। हम लोग जिस सोर्स से भी कैपिटल को रेज करने वाले हैं उस सोर्स में कितना रिस्क है, ये भी अफेक्ट करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को। फिर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। मींस जो कंपनी जो अर्न कर रही है पर मंथ पर एनम, तो वो इसमें कितना स्टेबिलिटी है। अगर अच्छा खासा स्टेबिलिटी है तो हम लोग बैंक की ओर जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इंटरेस्ट पे कर सकते हैं अगर हमारा जो इनकम है वो स्टेबल है तो। ओके, फिर क्या आता है, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए? क्या मैनेजमेंट चाहती है कि वो सारे पैसे इक्विटी शेयर होल्डर से लेगी, या वो चाहती है वो सारे पैसे बैंक से लेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लेगी, या डिबेंचर इशू करके लेगी? तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है कैपिटल को रेज करने के लिए, वो भी अफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को. ओके, फिर क्या आता है? एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? फ्लक्चुएशन इन द इंडस्ट्री. फ्लक्चुएशन इन द इंडस्ट्री मतलब क्या हो गया? मतलब इंडस्ट्री कितना ऊपर नीचे हो रहा है. अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है ना इंडस्ट्री, तो हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, राइट? अगर इंडस्ट्री स्टेबल है, तब हम लोग ज़्यादा बैंक से या अदर सोर्स ऑफ कैपिटल से हम लोग ले सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर इंडस्ट्री जो है वो स्टेबल नहीं है, कभी कम जा रही है कभी ज़्यादा जा रही है, तो हम लोग आउट ऑफ द लिमिट जाकर रिस्क नहीं ले सकते, राइट? तो फ्लक्चुएशन इन द इंडस्ट्री बहुत डिपेंड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को, कितना कैपिटल मुझे लेना है और किन किन सोर्स से लेना है. फिर क्या है? लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट. अब ये तो बहुत कॉमन सा चीज़ है कि हम लोगों को कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा जितना कैपिटल हम लोग ले रहे हैं. अगर हम लोग 10 करोड़ का कैप 20 करोड़ का लोन ले रहे हैं बैंक से, तो हम लोगों को उस पर कितना रेट पे करना पड़ रहा है? क्या वो सही है, या हम लोग के पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है बैंक से बढ़िया? तो ये क्या होता? लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट. ओके, फिर क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो भी अफेक्ट करती है कैपिटल स्ट्रक्चर को. तो ये था कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में. इसको जस्ट थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ. चलिए पिछले स्लाइड में जाते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इम्प्लाइज डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल. मतलब डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल. हम मुझे 1 करोड़ का फंड चाहिए, तो मैं कौन कौन से मेरे पास सोर्स है, कौन कौन से कॉम्पोनेंट है कैपिटल के, वो 1 करोड़ जनरेट करने के लिए. एंड इट्स प्रोपोजिशन क्या हो गया कि मतलब जो भी सोर्स है मेरे पास, उस उन सोर्स से मैं कितना परसेंट का प्रोपोजिशन ले रहा हूँ उस 1 करोड़ को जनरेट करने के लिए. इसी को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर. फिर फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को? 2 फैक्टर. फर्स्ट क्या है? इंटरनल. सेकेंड क्या? एक्सटर्नल. इंटरनल में क्या होता है? कैपिटल बजट. मुझे मेरा बजट कितना है, मुझे कितने का इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसी के हिसाब से मैं फंड रेज करूंगा, राइट? फिर क्या होता है? कंपनी कैरेक्टरिस्टिक. कंपनी कितनी बड़ी है, अगर बहुत बड़ी है तो उसे ज़्यादा फंड चाहिए होंगे, छोटी है तो उतने ज़्यादा फंड नहीं चाहिए होंगे, उतने ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं होंगे उसके पास. थर्ड क्या? नेचर ऑफ ऑपरेशन. हम लोगों का नेचर ऑफ ऑपरेशन कैसा है? हम लोग मास मैन्युफैक्चरर है या क्या है, वो भी डिपेंड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को. फोर्थ क्या? डिग्री ऑफ रिस्क. कितना रिस्क इन्वॉल्व है एक सोर्स ऑफ कैपिटल से कैपिटल को रेज करने के लिए. अगर हम लोग बैंक से रेज कर रहे हैं, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है? अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर से ले रहा हूँ या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ले रहा हूँ, तो मुझे कितना रिस्क इन्वॉल्व है उस सोर्स में. फिफ्थ क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग. कितना स्टेबल है हमारा अर्निंग. अगर हमारा अर्निंग स्टेबल है और हम लोग सर्टन अमाउंट ऑफ मनी पे कर सकते हैं आफ्टर एवरी पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लोग बैंक के लिए जा सकते हैं बैंक लोन के लिए. फिर क्या है? एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का एटीट्यूड, परसेप्शन कैसा है कंपनी को लेकर, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर, ये भी अफेक्ट करता है. ये हो गया इंटरनल फैक्टर. ओके, तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? फ्लक्चुएशन इन द इंडस्ट्री. फ्लक्चुएशन इंडस्ट्री ऊपर नीचे हो रही है या स्टेबल है या जस्ट हल्का फुल्का आगे माने ऊपर नीचे हो रही है, ये भी हम लोग देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर जनरेट करने से पहले. फिर क्या? लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट. कितना इंटरेस्ट रेट मुझे पे करना है. अगर मैं 10 करोड़ का लोन ले रहा हूँ, तो मुझे कितना इंटरेस्ट रेट उस 10 करोड़ पे करना पड़ रहा है, ये भी हमें बताता है कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये अफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को. फिर क्या? गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी क्या हो गया? गवर्नमेंट के सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आप, चलिए मान लेते हैं अगर आप कोई गवर्नमेंट कंपनी है, तो शायद उसमें रूल्स होंगे कि आप 50% से ज़्यादा बैंक से लोन नहीं ले सकते, या 50% से ज़्यादा आप इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे नहीं ले सकते. तो ये भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो होती है, वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को रोकती है, एक रिस्ट्रिक्शन पैदा कर सकती है. तो ये अफेक्ट करती है इनडायरेक्टली उसको, डायरेक्टली अफेक्ट करती है उसको. ओके, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. आने वाली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू.